यूपी के वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दिन करीब हैं। इसके चलते निरीक्षणों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं काशी के घाटों का हाल बेहाल है। स्थिति यह है कि गंगा नदी तक जाने के लिए भी लोगों को कूड़े और मिट्टी के ढेर से होकर गुजरना पड़ता है। बाढ़ का पानी उतरे महीनों हो गए हैं, लेकिन सभी घाट इस समय मिट्टी से पटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के सामने काशी की क्या तस्वीर बनेगी, यह वाकई सोचने का विषय है। काशी के घाटों पर बाढ़ का पानी उतरे हुए महीनों हो चुके हैं, लेकिन घाटों की हालत इस समय भी वैसी ही है जैसी बाढ़ का पानी उतरने के तुरंत बाद होती है। इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या साफ सफाई में चूक, काशी के घाट अपनी सुंदरता खोते जा रहे हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि तुलसी घाट की क्या हालत हो चुकी है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कितने ही महीने बीत चुके हैं, पर मिट्टी से पटा पड़ा है ये पूरा घाट। इस घाट की साफ सफाई को लेकर लोग जरा भी चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सर पर है। प्रवासी भारतीय मेहमान बनारस आने वाले हैं। इसी महीने 21 तारीख से विदेशी मेहमानों का आवागमन काशी में शुरू हो जाएगा और काशी के घाटों की ये हालत जरूर ये बात दर्शाती है कि प्रशासन को शायद काशी की सुंदरता दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर होती है प्रसिद्ध गंगा आरती और उस गंगा आरती के लिए जिस भी सामान का इस्तेमाल होता है वो भी इसी मिट्टी पर गंगा के पानी से धोकर रख दिए जाते हैं। उनको सुखा दिया जाता है यहीं पर और फिर उसको आरती में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। काशी के घाट सच में अपनी सुंदरता खोते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बनारस के लिए चिंता का विषय है। अर्णिमा द्विवेदी।